नमस्कार, स्वागत है सभी दर्शकों का ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं मुगलों की, जो कि विश्व विजय के लिए निकले थे। जो मुगल पूरी दुनिया पर अपने सल्तनत का, अपने इस्लाम का झंडा फहराने के लिए निकले थे, और इनकी गति बहुत ज़्यादा तेज थी। यह अफ्रीका की ओर भी जब बढ़ रहे थे, पश्चिमी देश इंग्लैंड वगैरह की ओर भी, यूरोप कंट्रीज की ओर भी बढ़ रहे थे, लेकिन यह ही मुगल विश्व विजय के अभियान में मंगोलिया, चाइना, अफगानिस्तान से होते हुए भारत में भी प्रवेश कर चुके थे। यह इतनी तेजी के साथ इनका आक्रमण था कि इनके सामने इन्हें रोक पाना असंभव सा हो रहा था। लेकिन भारत एक वह देश, इस भारत को विजय के लिए इससे पहले सिकंदर जैसे भी आए, लेकिन इससे टकरा कर ही वापस चले गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई सिकंदर की भी कि भाई इसके अंदर घुसे, लेकिन मुगलों का आक्रमण जो था वह सिकंदर से भी ज़्यादा शक्तिशाली था, और मुगलों के इस आक्रमण को यदि किसी ने रोका तो वह था भारत। भारत ही वह देश था जिसके अंदर मुगल आने के बाद भारत के कारण ही जापान, दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया, इंडोनेशिया जैसे देश मुगलों के आक्रमण से बच गए, क्योंकि मुगलों के आक्रमण को अगर किसी ने रोका तो वह भारत था। लेकिन हमारे इतिहास के अंदर सिर्फ और सिर्फ यह पढ़ाया गया कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप ने बस संघर्षपूर्ण जीवन बिताया, लेकिन ऐसा नहीं था। मुगल जब भारत के अंदर प्रवेश हुआ तो इनको यहाँ के क्षत्रियों ने, यहाँ के मराठाओं ने, यहाँ के योद्धाओं से उनको इतना सामना करना पड़ा कि यह सैकड़ों साल तक भारत में ही फंस कर रह गए, क्योंकि मुगलों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि यह भारत को विजय प्राप्त पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे थे, और इनको बहुत ज़्यादा हानियाँ भी हो रही थीं, लेकिन यह छोड़ भी नहीं पा रहे थे, तो यह सैकड़ों साल तक भारत में ही फंसे रहे, और इनका जो विश्व विजय का जो अभियान था वह यहाँ से आगे नहीं बढ़ सका। तो भारत के ऐसे वीरों की जो दास्तानें हैं वह हमारे को नहीं बताई गई, हमारे को सिर्फ यह पढ़ाया गया कि भारत में वीरहीन ही लोग थे, मुगलों ने ही आते के साथ ही उन्होंने आसानी से राज कर लिया, ऐसा नहीं था। चमकौर का युद्ध, जिसमें कि एक तरफ लाखों की सेना थी और दूसरी तरफ मात्र 40 सैनिक, और वह 40 सैनिक भी एक ऐसा युद्ध लड़ते हैं कि वह भी एक इतिहास बन जाता है, लेकिन वह चमकौर का युद्ध वह हमें नहीं बताया गया। महाराणा प्रताप का यशगान हमें नहीं बताया गया, हमें तो सिर्फ इतिहास को छुपाया गया कि भारत एक कमज़ोर देश था। भारत एक कमज़ोर देश नहीं था, अगर भारत कमज़ोर देश होता तो मुग़ल भारत को रौंदते हुए भारत को पार हो जाते। तो मुग़लों का विश्व विजय जो अभियान था वह भारत में आने के बाद से ही वह उनका जो सपना था मुग़लों का पूरी दुनिया पर शासन करने का, वह भारत में आने के बाद उनका वह पूरा नहीं हुआ, और वह जब से आज तक वह भारत पर पूर्ण रूप से कब्जा नहीं कर सके। तो यह उनकी जो हसरत थी वह पूरी नहीं हो सकी, भले ही उन्होंने 500-700 साल राज किया, लेकिन यह मुग़लों का पूरा राज पूरे भारतवर्ष पर नहीं था। भारत के कुछ क्षेत्रों में था, पूर्ण भारत पर मुग़लों का राज नहीं था। कुछ हिस्सों में मुग़लों का राज था तो कुछ हिस्सों में मराठाओं का राज था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने तक मराठाओं ने मुग़लों को दिल्ली तक ही सीमित कर दिया था। तकरीबन उन्होंने पूरे भारत को मुग़लों के चंगुल से आज़ाद करा लिया था, बस दिल्ली और इसके आसपास का ही छोटा सा भाग ही जो रह गया था वह मुग़लों के अधीन रह गया था, वरना बहुत बड़ा क्षेत्र अब मराठाओं के पास था। उस समय अंग्रेज़ों का हमला होता है और
भारत एक बार पूर्ण रूप से फिर गुलाम हो जाता है। लेकिन मुगलों का जो यह सपना है कि यह कहा जाता है कि मुगलों ने भारत के साथ यह करा, भारत के साथ वह करा, कि यह बताया जाता है कि भारत में योद्धा ही नहीं थे, तो यह गलत है। क्योंकि अगर भारत में योद्धा नहीं होते ना, तो मुग़ल आज तक भी भारत से आगे निकलने का सपना नहीं पूरा कर सके। और सैकड़ों सालों के में फंसे रहने के बाद भारत में मुग़लों को समझ में आ गया था कि अब हमें यहीं पर रहना होगा। लेकिन उन्हें एक चिंता और भी सता रही थी कि हमारी संख्या थोड़ी है और हम ज़्यादा समय तक नहीं यहाँ पर ठहर सकेंगे, और ज़्यादा लंबे समय तक रहने के लिए हमारे को यहाँ पर लोगों को अपने धर्म में परिवर्तित करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक मिशन चलाया कि वह इस्लाम कबूल करवाते थे और अपनी जनसंख्या हिंदुओं को मुसलमान बनाना उन्होंने शुरू करा। लेकिन यह सच है कि मुग़ल जो हैं अपने विश्व विजय अभियान भारत में घुसने के बाद वह पूरा नहीं कर पाए और उनका विश्व विजय अभियान जो था वह भारत में आकर के वह आज तक पूरा नहीं हुआ। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं और अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप हमारा ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।